गाइज, नोकिया A66 जो कि 2008 में लॉन्च हुआ एक बहुत ही फेमस फ़ोन था, और आज हम 11 साल बाद इस फ़ोन का एक डिटेल रिव्यू करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा इस फ़ोन के कुछ इंटरेस्टिंग फीचर जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो आप इस वीडियो का अंत तक जरूर से देखते रहेगा। हाय गाइज, दिस इज विभास एंड वेलकम टू माई चैनल टेक्निकल मसल। से चलेगा, शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। गाइस, सबसे पहले हम बात कर लें इस फ़ोन के फिजिकल ओवरव्यू की। तो यहाँ पे हमको मिलता था ऊपर के साइड में पावर ऑन ऑफ करने का बटन, और साइड में हमको मिलता था 2.5 mm का ऑडियो जैक जो कि पुराने वाला ऑडियो जैक है। उसके नीचे में हमको मिलता था माइक्रो USB का पोर्ट डाटा सिंकिंग के लिए, और नीचे की साइड में हमको मिलता था चार्जिंग पोर्ट जो कि नोकिया का बाई डिफॉल्ट पोर्ट था पहले के फ़ोन में। उसके साइड की बात करें तो यहाँ पर हमको जो कैमरा है उसके लिए एक डेडिकेटेड बटन देखने को मिल जाता था। उसके ऊपर में हमको वॉल्यूम अप डाउन एंड पॉज का बटन देखने को मिल जाता था। इस फोन में हमको एक स्लाइडिंग मैकेनिज्म देखने को मिल जाता है। जैसे ही हम इसे स्लाइड करेंगे हमारा फोन जो है ऑटोमेटिकली लॉकआउट हो जाता था, और यहाँ पे जो भी नंबर वगैरह है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप का ये फोन जो है काम करता था। और जैसे हम इसे लॉक कर देते थे ये ऑटोमेटिकली जो कीपैड लग होता है वो हो जाता था, और यहाँ पे हम इसे लॉक भी कर सकते थे। ये कोई भी टच सेंसिटिव फ़ोन नहीं है, ये टोटली कीपैड बेस्ड फ़ोन था। और यहाँ पे हम अगर इसके कुछ फीचर्स वगैरह को देखें तो यहाँ पे हमको बहुत सारी एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल जाता था जो कि अभी के किसी भी फ़ोन में नहीं दिया गया है। सबसे पहले फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर हमको कम्युनिटी का एक ऑप्शन जो है देखने को मिल जाता था, जहाँ पर हमको मिलता था कॉल मेल बॉक्स और कॉन्टैक्ट PIT मैसेजिंग इंटरनेट डेल और ईमेल और स्पीड डायल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंटरनेट का भी ऑप्शन है, और ये फ़ोन जो है 3G के ऊपर बेस है। इस फ़ोन में हमको 3 MP कैमरे के साथ साथ हमको 128 MB रैम और 1000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाता था। और इसकी फ़ोन मेमोरी की स्टोरेज की बात करें तो इसमें हमको 100 MB का फ़ोन मेमोरी देखने को मिल जाता था। और इसके कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर जब हम ऑफिस में जाएंगे यहाँ पर हमको काम करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन जो है दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनेट से आप कोई भी चीज़ जो है सर्च कर सकते हो, और यहाँ पे हमको क्विक ऑफिस का जो है एक ऑप्शन देखने को मिल जाता था, जहाँ से कि आप अपना पावर पॉइंट एक्सेल वगैरह की जो भी डॉक्यूमेंट है उसे व्यू कर सकते थे और बना भी सकते थे। और यहाँ पे हमको क्लॉक मिल जाता था, करेंसी कन्वर्टर जो है देखने को मिल जाता था, और यहाँ पे आप नोट भी रख सकते थे। और सबसे खास बात है यहाँ पे आपको एक डिक्शनरी भी देखने को मिल जाता था जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और उसके साथ साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फीचर्स इस फोन में था जो है ये वायरलेस कीबोर्ड, और यहाँ से आप ब्लूटूथ ऑन करके किसी भी वायरलेस कीबोर्ड या फिर माउस को जो है वायरलेसली इस फ़ोन के साथ में कनेक्ट कर सकते थे। और मुझे नहीं लगता कि अभी के किसी भी फ़ोन में ये फीचर जो है दिए गए हैं। उसके साथ में आपको यहाँ पे प्रिंटर को भी कनेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता था, और यहाँ पे PDF क्रिएट करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता था। इस फ़ोन में आप ZIP फाइल को भी एक्सट्रैक्ट करके वहाँ से आप फाइल वगैरह को देख सकते थे। और जैसे आप यहाँ पे बैग आ जाते हो यहाँ पे अदर कुछ फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको कनेक्टिविटी में आपको यहाँ पे ब्लूटूथ वायरलाइन का भी ऑप्शन मिल जाता था, यानी आप इस फ़ोन से वाईफाई में भी कनेक्ट करके अपना काम जो है कर सकते थे। और यहाँ पे हमको इंफ्रारेड का एक सेंसर देखने को मिल जाता था, जहाँ से कि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 2 सेंसर दिए गए हैं जो कि इंफ्रारेड सेंसर का काम करते हैं। यहाँ पे आपको USB ऑप्शन में जाके आप USB में जो है अपना डाटा सिंकिंग जो है कर सकते थे, और PC स्विच की मदद से आप अपने फ़ोन के साथ में अपने PC को जो है कनेक्ट करके इंटरनेट का यूज कर सकते थे। उसके नीचे में हमको एक मोडेम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ से कि आप अपना जो भी राउटर वगैरह होता है उसके साथ में भी इस फ़ोन को कनेक्ट कर सकते थे। और आप नीचे कमेंट में मुझे बताओ कि अभी किस फ़ोन में हमको अपने राउटर के साथ में जो है कनेक्ट करने का मोडेम देखने को मिल जाता है। और उसके साथ में अगर हम इस फ़ोन के टूल्स की बात करें तो यहाँ पर हमको जो भी मोड्स वगैरह है मेमोरी है वो सब देखने को मिल जाता था, और यहाँ पर आपको एनक्रिप्शन का भी एक जो है ऑप्शन देखने को मिल जाता था, जहाँ से कि आप अपने जो भी डेटा है फ़ोन मेमोरी का या फिर मेमोरी कार्ड का उसके जो भी डेटा है उसे एनक्रिप्ट कर सकते थे और आप बचा सकते थे। यहाँ पे थीम्स वगैरह तो है ही, उसके साथ में आपको एक मोड्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता था, और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे आप अपना जो भी यूज़र है वो दूसरा कोई भी यूज़र है उसे आप अपना फ़ोन का एक्सेस जो है दे सकते हो, और यहाँ पे आप मोड चेंज करके आप जो है अपने फ़ोन को किसी और को दे सकते हो, और आपका जो भी डेटा है वो कोई भी चेंज या फिर लॉस नहीं होगा। उसके साथ में यहाँ पर सेटअप विजार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और उसके साथ आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर देखने को मिल जाता है जो है बारकोड, यानी आप इस फ़ोन में क्लिक करके आप बारकोड वगैरह को जो है स्कैन कर सकते थे या फिर आप बारकोड वगैरह का जो है बना भी सकते थे। और उस ज़माने के 2008 में ये एक
बहुत ही बड़ी बात है। और इसकी अगर हम मीडिया की बात करें तो यहाँ पे हमको बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाता था, जैसे कि रिकॉर्ड म्यूजिक प्लेयर और रियल प्लेयर कैमरा वगैरह है, म्यूजिक स्टोर वगैरह है। उसके साथ में हमको एक बहुत ही अच्छे खास फीचर्स देखने को मिल जाता था जो है इंटरनेट रेडियो। इसकी मदद से आप इंटरनेट से ही अपना रेडियो जो है सुन सकते हो, जो कि अभी के किसी भी फ़ोन में आपको नहीं मिलेगा। उसके साथ में हमको मिल जाता है एक 3D टोन, यानी आप कोई भी नॉर्मल म्यूजिक को आप 3D में कन्वर्ट कर सकते थे इस फीचर्स की मदद से, जो कि अभी के किसी भी फ़ोन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसे आप शेयर ऑनलाइन भी कर सकते थे। उसके नीचे की बात करें तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन में आपको एप्लीकेशन मैनेजर देखने को मिल जाता था, जहाँ से कि आप अपना जो भी डेटा वगैरह है उसको डाउनलोड कर सकते थे, जो भी गेम्स ऐप्स वगैरह है छोटी बड़ी उसको डाउनलोड करके यहाँ पे यूज कर सकते थे। और उसकी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा यहाँ पे GPS में। और जैसे हम यहाँ पे GPS में क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमको मैप्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता था, यानी आप 2008 से ही इस फ़ोन में मैप का यूज कर सकते थे। यहाँ पे हमको GPS वगैरह भी देखने को मिल जाता था, जहाँ से कि हम अपना डेस्टिनेशन को जो है चूज़ करके पूरी तरीके से GPS को जो है यूज कर सकते थे। और इसके साथ में हमको लैंडमार्क का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता था, यानी हम इस फ़ोन से GPS का एक भरपूर मज़ा और फ़ायदा ले सकते थे। इंटरनेट तो इस फ़ोन में है ही, उसके साथ में यहाँ पे आपको बहुत से ऐप्स और गेम्स का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता था, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। गाइस, इस फ़ोन का जो स्लाइडिंग मैकेनिज्म है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 2008 से 2019 तक 11 साल तक ये फ़ोन इसी तरह से काम कर रहा है, इसमें कोई भी रिपेयरिंग जो है नहीं हुआ है अभी तक। गाइस, इस फ़ोन में इसके कैमरा की बात करें तो यहाँ पे हमको 3 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ साथ एक LED फ्लैश भी देखने को मिल जाता था। और उसके साइड में आपको एक स्टील की जो है शीशा देखने को मिल जाता था, जहाँ से कि आप अपना सेल्फी जो है अपने आप ले सकते हो। उम्मीद है ये बहुत ही ख़राब हो चुका है तो अभी काम नहीं आएगा, बट यहाँ से आप अपना सेल्फी जो है ले सकते हो, और थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ेगा उस ज़माने में। और ये काफ़ी बढ़िया फ़ोन है गाइस, और उम्मीद है इस फ़ोन से आपका कोई भी हिस्ट्री जो है जुड़ा होगा, या फिर आपका ये पहला भी फ़ोन हो सकता है। तो गाइस, ये थी बस एक छोटी सी वीडियो इस फ़ोन के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी टेक रिलेटेड प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।